Hello friends, today we will discuss on the non-ferrous alloy. Now the question is, before starting this non-ferrous alloys, we should understand what is an alloy. Alloy का मतलब क्या है? उसका एक definition है, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ. A metal made by combining two or more metallic elements, especially to give greater strength or resistance to corrosion or any other property of the metal, is known as alloy. मतलब एक लाइन में हम उसको बताएं तो कोई भी दो मेटल का मिक्सर करके कोई तीसरा मेटल बनाते हैं तो उसको हम एलोई कहते हैं. ये एलोई क्यों बनाते हैं? तो उसके लिए उसका रीज़न ये है कि एलोई बनाने से उसका जो नया मेटल बनता है, थर्ड मेटल जो बनता है, उसका स्ट्रेंथ, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस एंड दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो दो मेटल है उससे अच्छी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आयरन और कॉपर या फिर एल्यूमिनियम या कॉपर या एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज, तो एल्यूमिनियम का और कॉपर का जो भी प्रॉपर्टी है, अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों को मिला के जो एलॉय बनाएंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा वो उससे अच्छा होता है. जैसे स्पेशली मैंने बताया कि उसका स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू कोरोजन रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ और दूसरी जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आता है. सो दिस इज द एलॉय. दैट मीन्स ए मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटालिक एलिमेंट्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो को ही ऐड कर सकते हैं. आप एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, ये तीनों को भी बना मिक्स करके कोई एलॉय बना सकते हैं, या दो मिलके मिक्स करके आप एलॉय बना सकते हैं. लेकिन उसका एक ये क्या है कि दोनों है वो मेटालिक एलिमेंट्स होने चाहिए. नॉन मेटालिक एलिमेंट्स तो आप ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलेंगे कि एल्यूमिनियम और पॉलीमर मटेरियल को आप ऐड करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, या उससे जो भी बनता है वो एलॉय नहीं कहलाता है. क्लियर? सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज नॉन फेरस मेटल. में हमने सबसे पहले लेक्चर में या पहला जो हमारा चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मेटल्स, तो उसमें एक था फेरस और नॉन फेरस. उसको एक लाइन में हमको एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से कर सकते हैं कि नॉन फेरस मेटल में आयरन नहीं होता है और फेरस मेटल में आयरन होता है. नाउ आई एम रीडिंग दैट डेफिनेशन. इन मेटलर्जी, ए नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल इंक्लूडिंग एलॉयज दैट डज नॉट कंटेन आयरन या फेराइट इन अप्रिसिएबल अमाउंट. मतलब ये जो नॉन फेरस मटेरियल है या मेटल है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ही नॉन फेरस कहलाएगा जो प्योर मेटल है. आप एलॉय होता है, अगर दो नॉन फेरस मटेरियल को मिक्स करके अगर आपको तीसरा एलॉय बनाते हैं वो भी नॉन फेरस मेटल ही कहलाएगा. लेकिन उसमें, जैसे मैंने बताया कि उसमें आयरन या फेराइट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है. थोड़ा बहुत मतलब 0.1% या 0.2% होता है. सो डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन मेटलर्जी, इन नॉन फेरस मेटल इज ए मेटल इंक्लूडिंग एलॉय दैट डज नॉट कंटेन आयरन फेराइट इन अप्रिसिएबल अमाउंट. मतलब ऐसा नहीं होता है कि 2%, 5%, 10%, 50%, ऐसा नहीं होता है. सिर्फ बहुत मामूली फेराइट होता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 0.1% और 2%, 0.2%. When a metal is defined as non-ferrous, it means that it does not have a significant amount of iron in its chemical composition. मतलब non-ferrous किसको बोलेंगे? कि अगर कोई भी metal का chemical composition में iron या ferrite significant amount में नहीं होता है. जैसे मैंने वो word को यहाँ पे bold करके लिखा है कि उसमें significant amount में नहीं होता है या appreciable amount में नहीं होता है, उसको आप नॉन फेरस मेटल बोलते हैं. नियरली ऑल मेटल एलॉयज हैव सम ट्रेस और नॉन सिग्निफिकेंट अमाउंट
of iron in their composition. This does not make them ferrous alloy though. उसमें बहुत कम होता है, इसके कारण उसको वो फेराइट एलिमेंट या फेराइट मेटल या मेटालिक मेटल फेरस मेटल आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप फेरस और नॉन फेरस को आपको सिंपली चेक करना है तो आप मैग्नेट उसके पास ले जाओ, जो मैग्नेट से वो आकर्षित होता है दैट इज फेरस मेटल, क्योंकि उसमें आयरन होता है। अगर मैग्नेट आप एल्यूमिनियम को मैग्नेट टच करो तो वो उसके साथ में आता नहीं है, दैट इज नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस एलॉय जनरली हैव आयरन कंपोजिशंस ऑफ लेस देन 1% एज मेजर बाय वेट। बाय वेट उसमें आयरन या फेराइट कितना होता है, मैक्सिमम 1% या उससे कम। इफ आयरन कंस्टिट्यूट्स ए लार्ज परसेंटेज ऑफ ए मेटल सच एज इफ इट इज द फर्स्ट और सेकंड मोस्ट एब्यूजेंट एलिमेंट इन द मेटल्स केमिकल कंपोजिशन देन द मेटल इज कंसिडर एज फेरस। अगर उसमें कोई भी मेटल में उसका आयरन ज़्यादा होता है 1% से तो उसको हम फेरस मेटल बोलते हैं, नॉन फेरस मेटल नहीं बोलते हैं। इम्पोर्टेंस अबाउट द नॉन फेरस मटीरियल, नॉन फेरस मटीरियल का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ इम्पोर्टेंट जो मुख्य से नॉन फेरस मटीरियल है वो है एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकल, टिन, टाइटेनियम एंड जिंक, अने और उसके जो एलोई बनते हैं वो सब उसके नॉन फेरस मटीरियल का मटीरियल है या उसका एलोई है। सॉरी, प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम एंड एक्सोरिस और रेयर मेटल सच एज कोबाल्ट, मर्क्यूरी, टंगस्टन, बेरिलियम, बिस्मथ, सीरियम, कैडमियम, नियोबियम, इंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, लिथियम, सेलेनियम, टेंटालम और टेटेरियम, वनडियम एंड जिरकोनियम आर ऑल्सो नॉन फेरस। लेकिन ये जो मैं बोला वो बहुत कॉस्टली मटेरियल है, सो उसका डिस्कशन हम ये चैप्टर में नहीं करने वाले हैं। दे आर यूजुअली ऑब्टेन थ्रू मिनरल्स सच एज सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स। नॉन फेरस मेटल्स आर यूजुअली रिफाइंड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का हमने लास्ट लेक्चर में एक मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैसे होता है, तो एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ आयन होता है, और कैथोड पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, आयन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और वो नेगेटिव आयन को करता है। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन। आप 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में भी उसका प्रैक्टिकल किया होगा। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं नॉन फेरस एलॉयज का। ये जो मैंने फिगर में दिखाया वो कोको कोला का कैन है, या उसको आप बैरल बोल सकते हैं या कैन भी बोल सकते हैं। ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। अभी ये टिन खाली होने के बाद आप एक तरफ रखेंगे और उसको जोर से हवा आएगा तो भी वो उड़ जाता है, दैट मीन्स वो बहुत लाइट है, बराबर। तो एक तो नॉन फेरस एलॉयज या नॉन फेरस मेटल होता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये टीन है। जो नॉन फेरस मेटल होते हैं वो वेट में बहुत कम होते हैं। एल्यूमिनियम बेस्ड बेवरेज कैन कंसिस्ट मोस्टली एल्यूमिनियम। ये जो अपना ये कोका कोला का जो कैन है उसमें मोस्टली एल्यूमिनियम होता है, लेकिन वो सिर्फ अकेला एल्यूमिनियम से नहीं बना होता है, उसके साथ में उसके क्या क्या होता है, 1% मैंगनीज होता है और 1% मैग्नीशियम होता है और 0.4% आयरन होता है। अभी 0.4% आयरन है दैट मीन्स कि ये मेटालिक हो गया, नहीं। अगर 1% से कम आयरन है तो उसको आप मेटालिक नहीं बोल सकते हो। उसके साथ में 0.2% सिलिकॉन और 0.15% कॉपर भी उसके साथ में होता है। सो बाकी कितने बचे, करीबन 97%। सो 97% जो अमाउंट है वो एल्यूमिनियम का होता है। सो दैट इज द जो मेजर मटेरियल है, मेजर परसेंटेज ऑफ मटेरियल है उसका एलॉय, उसको आप गिना जाएगा। जैसे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो एल्यूमिनियम का कितना है, 97%।
तो ये जो भी हम बनाएंगे ये जो बेल या टेंट बनाते हैं, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम का एलॉय है, उसको आप मैंगनीज या सिलिकॉन या कॉपर का एलॉय नहीं बोल सकते, क्योंकि मेजर अमाउंट कौन किसका है, एल्यूमिनियम का, दैट इज अबाउट 97%। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ नॉन फेरस एलॉयज। नॉन फेरस एलॉयज क्या क्या है? एक तो एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, एल्यूमिनियम और उसके साथ में दूसरी नॉन फेरस मटेरियल का मिक्सचर, टिटेनियम एंड इट्स एलॉयज, टिटेनियम के साथ में बाकी की नॉन फेरस मेटल का एलॉय, जिंक एंड इट्स एलॉय, जिंक और बाकी की जो भी नॉन फेरस मेटल है उसका मिक्सचर जो बनेगा उसको हम बोलेंगे जिंक एंड इट्स एलॉयज, कॉपर एंड इट्स एलॉयज, कॉपर के साथ बाकी के जो भी नॉन फेरस मेटल है उसके साथ में बनाने के बाद जो मेटल मिलेगा दैट इज कॉपर एलॉयज। सेम वे निकल के साथ जो भी नॉन फेरस मेटल मिक्स करेंगे दैट इज नोन एज द निकल एंड इट्स एलॉयज, एंड कोबाल्ट के साथ जो भी मिक्सर करेंगे उसको बोलेंगे कोबाल्ट एंड इट्स एलॉयज। ये जो लेक्चर है उसमें मेनली हम एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज के बारे में बात करेंगे। नाउ उससे पहले हम बात करेंगे कि क्यों हमको ये नॉन फेरस एलॉयज बनाना की जरूरत पड़ी। तो एक तो हम उसको अगर नॉन फेरस का डिस्कशन करेंगे तो ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका रीजन जानने के लिए हमको फेरस के पास जाना पड़ेगा, फेरस एलॉयज के पास जाना पड़ेगा। सो फेरस एलॉयज है उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, वो सब एडवांटेजेस है नॉन फेरस का। जैसे कि फेरस एलॉयज है उसकी डेंसिटी हाई होती है, दैट मीन्स कि वेट में वो बहुत ज़्यादा होता है। आप एक बात सोचिए कि जैसे मैंने ये कोका कोला का जो टिन दिखाया गया वो अगर एल्यूमिनियम के बदले स्टील का बनाया होता तो उसका वेट कितना होता, करीबन 4 और 5 टाइम्स उससे ज़्यादा होता। सो एल्यूमिनियम क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसका वेट या डेंसिटी, वेट वेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डेंसिटी के ऊपर, तो डेंसिटी उसका एल्यूमिनियम का बहुत कम है, इसके लिए हमने कैन बनाने के लिए एल्यूमिनियम चूज़ किया। सो फेरस का डिसएडवांटेज क्या है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि फेरस मटेरियल या उसके जो एलोइज होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन फेरस जो मटेरियल होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे हमने नॉन फेरस में देखे तो सिल्वर का है, तो सिल्वर का जो नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और आप स्टील का नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करें तो उससे 10 टाइम्स कम होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कोरोजन इन सर्टेन एनवायरमेंट। स्टील के ऊपर कोरोजन लगता है, एल्यूमिनियम के ऊपर बहुत कम लगता है, गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर जरा भी नहीं लगता, या बहुत बहुत लेस अमाउंट में उसका कोरोजन होता है। सो दिस थ्री आर द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन फेरस मेटल एंड इट्स एलॉयज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो सबसे पहले वन डेंसिटी है, फेरस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सो उससे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, उसका फेरस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर टू नॉन फेरस मटेरियल में कम होती है, और तीसरा, फेरस मटेरियल का कोरोजन रेजिस्टेंस पावर कम होता है, वो जल्दी से कोरोड हो जाता है, जबकि नॉन फेरस मेटल और उसके एलॉय से जो भी चीज़ बनाते हैं उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल एलॉयज, उसमें एक चार्ट है, वो दिखता नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको उसका वर्बली बताता हूँ। सो क्लासिफिकेशन कैसा होता है, जैसे टॉप में आएगा मेटल एलॉयज, उसके दो पार्ट है, फेरस बेस मेटल, फेरस एलॉयज एंड नॉन फेरस। फेरस में बेस मेटल आयरन होता है, फेरस एलॉयज में दो पार्ट है, स्टील एलॉयज एंड कास्ट आयरन एलॉयज। नॉन फेरस में दो पार्ट है, लाइट एलॉयज एंड हैवी एलॉयज। नाउ ये चैप्टर है वो उसके ऊपर हम जो बात करेंगे ये लेक्चर में, लाइट नॉन फेरस एलॉयज एंड स्पेशली
नंबर वन एल्युमिनियम एलॉयज। सो ये जो लेक्चर है उसमें हम एल्युमिनियम और एल्युमिनियम एलॉयज के बारे में बात करेंगे। नाउ एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा जो जो प्रॉपर्टी जो भी है वो जो मेन मेन प्रॉपर्टी है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सॉरी एक तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने वो पहले या दूसरे लेक्चर में जो अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर थे उसमें से जो एक टाइप है दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो उसके जो एटम होते हैं वो हर एक फेस के सेंटर में होते हैं, बराबर। वो आपको याद होगा, वो हमने पूरा चार्ट या उसका फोटोग्राफ से हमने आपको समझाया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 660 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो मेटालिक जो फेरस मटेरियल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टील की बात करें तो स्टील का मेल्टिंग पॉइंट करीबन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट करीबन 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसका डेंसिटी क्या है, 2700 kg/m³। और स्टील का क्या होता है, वो करीबन 7400 या 7500 kg/m³ होता है। तो करीबन 3 times, जैसे एल्युमिनियम और आप स्टील ये दोनों का कंपेयर करें और सेम वॉल्यूम ले तो सेम वॉल्यूम में स्टील का जो वेट आएगा उससे 1/3 वेट एल्युमिनियम का आता है। इलास्टिक मॉडुलस कितना है, करीबन 70 GPS GP। और एल्युमिनियम का कलर सिल्वर के लस्टरस होता है। एंड उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, तो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे अभी तो हम जो घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, लेकिन आज से 25-50 साल पहले जो भी आप घर में देखेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिकल का जो वायर जो होता है वो उसके अंदर का जो कोर होता है वो एल्युमिनियम का बनाया हुआ होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की एल्युमिनियम से भी ज़्यादा अच्छी है। सो नाउडेज वी आर यूजिंग कॉपर एज ए बेयर वायर फॉर द हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल वायरिंग पर्पस। ये जो फोटोग्राफ दिखा है वो एल्युमिनियम से क्या क्या हमने बनाया हुआ है, जैसे लेफ्ट साइड में टॉप में है दैट इज एल्युमिनियम का बुश है, सेंटर में जो है वो एल्युमिनियम का कॉइल है, और लास्ट वन जो राइट हैंड साइड में है दैट इज सम मशीन पार्ट्स है। सो एल्युमिनियम का ये यूज हम कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट स्लाइड में ये हमने कार दिखाया है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में होता है। पर्पस क्या है उसका, व्हाई एल्युमिनियम इज रिप्लेस व्हाई दिस स्टील इज रिप्लेस बाय दिस एल्युमिनियम, बिकॉज के उसका वेट बहुत कम होता है। जैसे मैंने उसको आपने बताया था कि उसका जो डेंसिटी है वो करीबन 2700 kg/m³ है, जबकि स्टील का 7400 है, तो उसके कंपैरिजन में उसका वेट कार का टोटल वेट बहुत कम हो जाता है। तो ये टोटल जो बॉडी बनाते हैं वो एल्युमिनियम एलॉयज की बनाते हैं, सो दैट उसका वेट करीबन आप देखो तो जो 1400-1600 kg का कोई एक एवरेज कार होता है तो करीबन उससे 300-400 kg का वेट कम हो जाता है, और उसके कारण उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाता है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, एंड रेडी उसका जो गैस एमिशन जो होता है वो भी करीबन 20% लेस होता है। सो दिस इज़ द रीज़न इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज दिस कार बॉडी इज रिप्लेस विद द एल्युमिनियम शीट और एल्युमिनियम एलॉय मटेरियल। अभी हम बात करेंगे एल्युमिनियम के एलॉयज की। तो एल्युमिनियम एलॉयज मतलब एल्युमिनियम के साथ में कोई दूसरा नॉन फेरस मेटल हमको ऐड करना है। सो पहला नंबर में हमने एल्युमिनियम के साथ में कॉपर ऐड किया, सो दैट इज नोन एज द एल्युमिनियम कॉपर एलॉय। दूसरा एल्युमिनियम के साथ में हमने सिलिकॉन ऐड किया, सो दैट इज नोन एज ए एल्युमिनियम सिलिकॉन एलॉय। तीसरा हमने एल्युमिनियम के साथ में मैंगनीज ऐड किया, तो दैट इज नोन एज ए एल्युमिनियम मैंगनीज एलॉयज। चौथा हमने एल्युमिनियम के साथ में मैग्नीशियम ऐड किया,
दैट इज नोन एज द एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय। पांचवा, एल्यूमिनियम के साथ में हमने जिंक एलॉय मिक्स किया, दैट इज नोन एज द एल्यूमिनियम जिंक एलॉय। एंड लास्ट वन, हमने एल्यूमिनियम के साथ में सिलिकॉन भी ऐड किया और मैग्नीशियम भी ऐड किया, सो दैट इज नोन एज द एल्यूमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम एलॉय। अभी हम वन बाय वन हर एक एलॉय के बारे में बात करेंगे और उसका छोटा छोटा जो एडवांटेजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय। हर एक एलॉय को, फेरस हो या नॉन फेरस हो, उसको एक सीरीज के आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो फिक्स ही होता है कि एल्यूमिनियम 90% होता है, 10% कॉपर होता है, ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम 90% है एक सीरीज में, मतलब 2000, ये उसका जो नंबर आएगा दैट इज 2K सीरीज, या उसको 2XXX या 2K सीरीज आप उसको बोल सकते हो। मतलब फर्स्ट डिजिट 2 आएगा और बाकी के 3 डिजिट कोई भी आ सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट परसेंटेज वी हैव एडेड इन एल्यूमिनियम, बराबर। तो एल्यूमिनियम कॉपर जो एलॉयज बनता है उसका सीरीज होता है 2XXX सीरीज, बराबर। अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसा फिक्स नहीं होता है कि एल्यूमिनियम कॉपर एलॉयज में एल्यूमिनियम जैसे 90% किया और 10% कॉपर किया, ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम कॉपर एलॉयज में बहुत सारे मिक्सर्स डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट परसेंटेज के हम यूज़ करके बनाते हैं। कोई एक जो एलॉय बना दैट इज ऑल्सो नोन एज एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय, तो किसी में 87% एल्यूमिनियम है तो 13% कॉपर है, किसी में 95% एल्यूमिनियम है तो 5% कॉपर है। लेकिन ये सब जो अलग अलग नॉन फेरस एलॉय एल्यूमिनियम के कॉपर के एलॉय बनते हैं वो सब कहलाएंगे तो एल्यूमिनियम कॉपर एलॉयज ही कहलाएंगे, बराबर। और उसका जो सीरीज है दैट इज नोन एज ए 2XXX सीरीज। इन द 2XXX सीरीज कॉपर इज यूज एज द प्रिंसिपल एलोइंग एलिमेंट एंड कैन बी स्ट्रेंथन सिग्निफिकेंटली थ्रू सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट। ये जो 2XXX सीरीज है उसमें मेनली हम कॉपर यूज करते हैं। दिस एलॉय पजेस ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ, जैसे मैंने एडवांटेजेस दिखाए थे उसमें एक जो एडवांटेज था वो स्ट्रेंथ का था, तो एल्यूमिनियम कॉपर का जो एलॉय बनता है उसका भी एक एडवांटेज या उसका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है, तो ये एल्यूमिनियम कॉपर का एलॉयज बनाने से उसका जो भी एलॉय बनता है, जो भी नया मटेरियल बनता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मतलब किससे ज़्यादा, एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा और कॉपर से भी ज़्यादा, ये क्योंकि हमने ये दोनों का मिक्सर लेके बनाया हुआ है। और स्ट्रेंथ से बाद में उसका टफनेस भी बहुत अच्छा होता है, बट डू नॉट हैव द लेवल ऑफ एटमोस्फियर कोरोजन रेजिस्टेंस एज मैनी अदर एल्यूमिनियम एलॉयज। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ में दूसरा जो हमने नॉन फेरस ऐड करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि कॉपर के बदले हम सिलिकॉन डालते हैं, मैंगनीज डालते हैं, या मैग्नीशियम या जिंक या सिलिकॉन डालते हैं, तो कोरोजन रेजिस्टेंस बाकी का जो भी मैंने डिस्कस किया उससे बदले उसका कोरोजन रेजिस्टेंस इतना अच्छा नहीं होता है। तो एल्यूमिनियम कॉपर का एडवांटेज क्या हुआ, एल्यूमिनियम कॉपर एलॉयज का एडवांटेज है कि उसका स्ट्रेंथ और टफनेस अच्छा होता है, लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंस इतना अच्छा नहीं होता है। देयरफॉर दिस एलॉयज आर यूजुअली पेंटेड और क्लेड फॉर सच एक्सपोजर्स, मतलब ये जो एलॉयज बनता है अगर वो मटेरियल हमको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हमको पेंटिंग करना पड़ता है। दे आर जनरली क्लेड विथ ए हाई प्योरिटी एलॉय और ए 6XXX सीरीज, मतलब एल्यूमिनियम सिलिकॉन और मैग्नीशियम का जो है उसका कलर बना के उसके ऊपर हमको पेंटिंग करने का होता है या क्लेडिंग करने का बोलते हैं, सो दैट के आप एल्यूमिनियम कॉपर का एलॉयज है उसका स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है, टफनेस भी इम्प्रूव होता है और उसके साथ में उसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव होता है, बराबर। दैट इज नोन एज ए एल्यूमिनियम कॉपर एलॉयज 2XXX सीरीज। सेकेंड वन दैट इज द एल्यूमिनियम सिलिकॉन एलॉयज, उसका सीरीज है जैसे एल्यूमिनियम कॉपर का था 2XXX, इसकी जगह एल्यूमिनियम सिलिकॉन का है 4XXX। उसका डिटेल क्या है,
The aluminum silicon alloys form a binary dichotic at 11.7% silicon with a melting point of 577 degrees centigrade. The two-phase being solid solutions of silicon in aluminum, 0.8% maximum at room temperature, and aluminum in silicon. There are no intermetallic compounds. Sodium may be added in small amount to refine the etchant and increase the strength by improved dispersion hardening. Iron, even in small amounts, can seriously degrade toughness, although manganese may be added to reduce this effect. The 4XXX series has very high fluidity and is extensively used for casting purpose. अभी हर एक जो नॉन फेरस एलोइज होता है उसका कोई ना कोई एडवांटेज होता है या कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है. तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन एलोइज जो बनता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसकी फ्लूडिटी बहुत अच्छी होती है. जैसे आप किसी का कास्टिंग बनाना है तो कास्टिंग बनाने के लिए आपको वो मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा और मेल्ट करने के बाद लेडल में से उसको आपको पैटर्न के अंदर पोर करने का होता है. तो वो अच्छी तरह से पोर हो सके उसको, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम फ्लूडिटी बोलते हैं. तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन एलॉयज है, उसकी फ्लूडिटी बहुत अच्छी होती है. ऑफन बींग एलॉयड विथ कॉपर एंड मैग्नीशियम टू प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन हार्डनिंग एंड विथ निकल टू इम्प्रूव द हाई टेम्परेचर प्रॉपर्टीज. उसके साथ में बाकी के जो भी ये कॉपर निकल ऐड करके उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्लूडिटी एंड लो सेंसिटिविटी टू हॉट शॉर्टनेस इट इज कॉमनली यूज एज ए वेल्ड फिलर मेटल. अगर वेल्डिंग का आप काम करते हो तो फिलर मेटल के लिए एल्यूमिनियम सिलिकॉन का फिलर रॉड आप यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्लूडिटी. नाउ थर्ड वन इज द एल्यूमिनियम मैंगनीज एलॉय. उसका सीरीज है 3XXX. बिकॉज ऑफ लिमिटेड सॉल्युबिलिटी 1.82% मैंगनीज इज नॉट यूज एज ए मेजर एलॉयिंग एलिमेंट. उसका सॉल्युबिलिटी मतलब ये मिक्सर कब बनेगा, दोनों अगर कोई भी दो नॉन फेरस मेटल है वो मेल्ट करने के बाद एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छी तरह से अगर मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है. जैसे आप पानी में नमक डालोगे या पानी में शुगर डालोगे तो आफ्टर स्टीरिंग मतलब उसको हिलाने के बाद में क्या होता है, वो शुगर या सॉल्ट पानी के अंदर मिक्स हो जाता है. दैट मीन्स सॉल्ट एंड शुगर हैज ए बेटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. लेकिन एल्यूमिनियम और मैंगनीज एलॉयज में मैंगनीज एल्यूम के अंदर उसका सॉल्युबिलिटी इतना अच्छा नहीं है. सो मेनली एल्यूमिनियम मैंगनीज एलॉयज ज़्यादातर यूज नहीं होता है. विथ 1.2% ऑफ मैंगनीज एंड 0.6% ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैंगनीज एलॉयज शो गुड फॉर्मेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड गुड बिल्डेबिलिटी. अगर मैंगनीज 1.2% है और 0.6% सिलिकॉन से हम अगर एल्यूमिनियम मैंगनीज का एलॉय बनाते हैं तो उसका फॉर्मेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड बिल्डेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है. इट इज यूज फॉर फूड एंड केमिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज द एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय. द सीरीज इज नोन एज ए 5XXX सीरीज. मोस्ट ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉयज कंटेनिंग अबाउट 5% ऑफ मैग्नीशियम, उसको क्या बोलेंगे LM5, आर कैरेक्टराइज्ड बाय गुड बिल्डेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ. अगर एल्यूमिनियम के साथ में 5% मैग्नीशियम डाला हुआ है तो उसका हमको एडवांटेज क्या मिलता है, उसका वेल्डेबिलिटी अच्छा होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है. और वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, केबल सेटलिंग और अदर मरीन एप्लीकेशन में. मरीन एप्लीकेशन में क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम विथ 3.5-8% मैग्नीशियम आर यूज इन डेयरी एंड फूड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स
due to their improved corrosion resistance. With 10% of magnesium is age hardened metal. It shows the highest mechanical property. अगर हमने मैग्नीशियम 10% डाला है तो उसका जो सरफेस के ऊपर अगर आप कुछ भी हैमरिंग करेंगे तो उसके ऊपर कुछ इंप्रेशन नहीं आएगा, दैट मीन्स तो उसका हार्डनेबिलिटी बहुत अच्छा है. इट शोज पुअर कास्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन कास्टिंग की प्रॉपर्टी उसकी खराब हो जाती है. इट इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स. एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय विथ 4% कॉपर, उसमें और कॉपर और निकल और मैंगनीज भी डालना है. कितना कितना? तो 4% कॉपर, 2% निकल एंड 1.5% ऑफ मैंगनीज. एंड उसके बाद में हम जो भी एलॉय मिलता है वो एलॉय स्पेशली पिस्टन एंड सिलेंडर के हेड्स बनाने के लिए और इंटरनल कंबशन इंजन में जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसको लिए हम यूज कर सकते हैं. उसी को क्या बोलते हैं? वाई एलॉय और LM14 एलॉय. एग्जाम में आपको इंस्टेड ऑफ दिस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय आपको पूछ सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वाई एलॉय. वाई एलॉय मीन्स इट्स ए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय, और उसमें आपको लास्ट पैराग्राफ जो ये लिखना है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ में यू हैव टू एड 4% ऑफ कॉपर, 2% ऑफ निकल एंड 1.5% ऑफ मैंगनीज. Next one is the aluminium silicon magnesium alloy. This series is known as a 6XXX series. उसमें क्या हुआ कि आपको नॉन फेरस मेटल जो आपने ऐड किया है, दैट इज दो अलग अलग किया है. एल्यूमिनियम के साथ में सिलिकॉन भी ऐड किया है और मैग्नीशियम एलॉयज भी ऐड किया है, और उसका सीरीज का नंबर है 6XXX. दिस एलॉयज हैव एक्सेलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस. ये जो तीनों का मिक्सर बना के जो नया मेटल बनता है उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है. दे कैन बी वर्क इजीली. उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको उसके ऊपर कुछ मशीनिंग करना है तो उसके लिए बहुत हार्ड और टफ टूल नहीं चाहिए. आप सिंपल टूल से भी उसके ऊपर आप मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं. द कंटेन अप टू 0.6% सिलिकॉन एंड 1% मैग्नीशियम. They are used in aircraft landing mats. मतलब aircraft का जो landing mats होता है ये किसका बना होता है? Aluminium, silicon और magnesium alloys का. बहुत सारे furniture और vacuum cleaner के components भी ये non-ferrous alloys के बने हुए होते हैं. Next one is the aluminium zinc alloys. This series is known as a 7XXX series. A typical wrought एल्यूमिनियम जिंक एलॉय कंटेन्स. ये एल्यूमिनियम जिंक एलॉय इसमें क्या होता है? तो 5.5% जिंक होता है, 2.5% Mg होता है एंड 1.5% Cu मतलब कॉपर होता है. इट हैज़ द हाइएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एमॉन ऑल एल्यूमिनियम एलॉयज. ये जो बाकी के हमने जो 5-6 डिस्कस किए उसमें सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम जिंक एलॉय का होता है. इट इज़ यूज इन एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल पार्ट्स. एयरक्राफ्ट के जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं उसमें ये आप, क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, दैट इज वाई दिस इज यूज फॉर द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल पार्ट्स. नाउ देर आर फ्यू क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर. आंसर नंबर 1, वॉट इज एन एलॉय? नंबर 2, वॉट डू यू मीन बाई नॉन फेरस मेटल? नंबर 3, Nowadays, why aluminium is widely used in automobile industry? Number 4, which are the alloys of aluminium? जैसे मैंने ये 6 या 7 जो एक्सप्लेन किए, दैट इज द आपको लिखना है ये सब एल्यूमिनियम के एलॉयज है, और उसमें से कोई भी 3 को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. थैंक यू.